अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आप लोगों को। और आज की जो वीडियो है वो कुछ रमज़ान के हवाले से ही है ये स्किन के लिए, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जस्ट टू इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप कैसे होम रेमेडी बना सकते हैं और अपनी स्किन को कैसे हेल्दी कर सकते हैं। अब ईद पे तो हमें अच्छी स्किन की ज़रूरत होती ही है, फेस अच्छा लगे तो वाकई अच्छा लगता है, लेकिन रमज़ान में इतने काम होते हैं जिसकी वजह से स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कामों के साथ साथ अगर हम अपनी स्किन को भी थोड़ा सा टाइम दें, वो भी ईजी वे में, तो ये किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं ये अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान और बहुत ईजी ये चीज़ें हैं, इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मैं आज यूज़ करूँगी। ये ईज़िली हमारे किचन में होती हैं, सबके किचन में होती हैं आई होप, तो आप लोग ईज़िली इसको बना सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप लोग इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी रेमेडी जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थी मेरी रेमेडीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बहुत ही इजी है, इसको लाजमी आप लोग ट्राई करिएगा, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी, सूट की कि नहीं की। और ये किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि बहुत नॉर्मल इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत इफ़ेक्टिव होंगे आप लोगों के लिए और फॉर ऑल स्किन टाइप्स हैं, ठीक है। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, सेंसिटिव स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, इससे कोई आप लोगों को रिएक्शन या कोई हार्मफुल नहीं होगा आपकी स्किन के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड काइंडली शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।